सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सब कैसे हुआ? ये मील मजदूर था साहब, इसकी बीवी स्कूल टीचर थी, दोनों की पगार लेके बॉम्बे क्लब में ये जुआ खेलने जाया करता था। कई बार मैंने इसको समझाया, देख वहां जुआ खेलने मत जाया कर, मत जाया कर, लेकिन नहीं माना। गंदा गंदा नाच दिखाकर बेवकूफ बनाकर वो लोग रुपया इतने हैं साहब, लेकिन नहीं माना। और नौकरी छूटी, फंड का रुपया मिला, वो भी सब जुए में हार गए साहब, और खुद तो जहर खा के मरा ही, और फिर सारे परिवार को जहर देके मार दिया। आपके तो बहुत चर्चे सुने साहब हमने, अन्याय और जुल्म के खिलाफ हमेशा लड़ते हैं आप, हमको भी न्याय दिलवाइए साहब, ये बॉम्बे क्लब हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा दीजिए। साहब, मरने वाले के घर से ये ताश के पत्ते और चिट्ठी मिली है, और इसमें लिखा है कि हमने खुदकुशी की है। बॉम्बे क्लब पर फौरन छापा मारा जाए, और उसके मालिक को घसीटते हुए पुलिस चौकी लाओ। कितनी बार कह चुका हूं कि बॉम्बे क्लब का मालिक मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, फिर आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? तू एक मामूली चाल में रहता है, तेरी बीवी एक टाइपिस्ट ऑफिस में, और तेरे बच्चे म्यूनिसिपल स्कूल में पढ़ते हैं। तू अपने आप को बॉम्बे क्लब का मालिक कहता है? पता कौन है उस बॉम्बे क्लब का मालिक? पता सुबह तक अगर तूने जबान नहीं खोली तो तेरी जबान मैं हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। साहब
आप आ गए। मैंने पुलिस को कुछ नहीं बताया। आप मुझे रिहा करवाने आए हैं ना? हाँ, रिहा करवाने आया, लेकिन लॉकअप से नहीं, जिंदगी से। इंस्पेक्टर धर्म सिंह, तुम अपनी सफाई में कुछ भी कह लो, मगर तुम्हारा रिकॉर्ड बताता है कि आज तक तुमने जिस मुजरिम को भी गिरफ्तार किया उसे हमेशा अपना जाति दुश्मन समझा है, बिना सोचे समझे लोगों की पिटाई की, और आज इस हथौड़े से तुमने एक की जान भी ले ली। ये सरासर गलत है सर। मुझे बदनाम करने के लिए एक साजिश रची गई है सर। किसी मुलजिम से तहकीकात के दौरान आज तक मैंने कभी किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया सर। भगवान ने इस हाथ में इतनी शक्ति दी है कि बड़े बड़े मुजरिम इसे देखकर अपने जुर्म का इकबाल कर लेते हैं। तो आप खुद ही सोचिए कि मुझे इस हथौड़ी की क्या जरूरत है। मैं तुम्हारी कोई सफाई सुनना नहीं चाहता। तुमने उसे जान से मार डालने की धमकी दी थी, इस बात का गवाह सारा स्टाफ है। धर्म सिंह, नाउ यू आर सस्पेंडेड। आज के इस दौर में हम जैसे पुलिस कर्मचारियों को इसे बड़ा इनाम मिल भी क्या सकता है। फिर भी आपने मुझे इतने दिन तक बर्दाश्त किया सर, उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूं। जय हिंद सर। मुबारक हो, इंस्पेक्टर धर्म सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। मेरे बेटे की तबीयत खराब है और तुम मुझे इन हालात में ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए मुबारकबाद दे रहे हो। शहर के हर डॉक्टर को फोन करो और कहो कि विकी के इलाज के लिए फौरन यहां पहुंचाए। क्विक। सांगा साहब, आपका बेटा तो बिल्कुल ठीक है। उसे मामूली सा बुखार है सर। हमारे बेटे को एक छींक भी आ जाए तो हमसे बर्दाश्त नहीं होती, और आप कहते हैं कि उसे मामूली सा बुखार है। आई एम सॉरी सर, वैसे मैंने इंजेक्शन दे दिया है, सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जी। अच्छा तो हम चलें? नहीं, सुबह तक आप लोग भी यहीं रहेंगे। जी? सांगा साहब, आपका बेटा बिल्कुल नॉर्मल है सर। हॉस्पिटल में आज अर्जेंट ऑपरेशन है सर, उसका क्या होगा? सर अगर हम यहाँ रहेंगे तो हमारे मरीजों का क्या होगा? अगर आपके बच्चे यतीम हो जाएंगे तो फिर उनका क्या होगा? आज रात आप लोगों के यहाँ ठहरने का इंतजाम कर दिया गया है, किसी चीज की जरूरत हो मांग लीजिएगा। नॉर्मल है सर।
गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग, कैसी तबीयत है? जिस बेटे को आप जैसा प्यार करने वाला डैड मिला हो, जो मामूली बुखार आने पर डॉक्टर की लाइन लगा दे, उसकी तबीयत को क्या हो सकता है डैड? टेक केयर, आराम कर। हम आप लोगों से बेहद खुश हैं कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे बेटे को दिया है। ज्यादा कुछ नहीं, आप लोगों को एक छोटी सी भेंट देना चाहते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर हनीफ, डॉक्टर कुटार, डॉक्टर शेट्टी, डॉक्टर शाह, डॉक्टर वोरा, डॉक्टर अंसारी, डॉक्टर अंसारी, डॉक्टर अंसारी, सांगा साहब, डॉक्टर अंसारी नहीं आए। उनका कहना है कि वो एक मरीज के लिए सारे मरीजों को छोड़कर नहीं आ सकते। डॉक्टर अंसारी का क्लिनिक कहाँ है? जो लोग हमारे बेटे की सेहत की परवाह नहीं करते, हम उनकी जिंदगी की परवाह करना छोड़ देते हैं। इंस्पेक्टर गोडबोले स्पीकिंग। इंस्पेक्टर साहब, डॉक्टर अंसारी के क्लिनिक को किसी ने बम से उड़ा दिया है। वाग मारे डॉक्टर अंसारी का। सांगा का लिफाफा पहुंच गया है। सॉरी यहां भाई, रॉन्ग नंबर। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मेरे घर पे चोरी हो गई। सारे जेवरात चोरी हो गए। पूरे 4 लाख के थे। कितने के थे? पूरे 4 लाख के। 1.5 लाख? आप बैठिए ना। ए हवलदार। जी साहब। साहब के लिए चलो। मलाई मार गला। जी साहब, अभी लाए साहब। ये क्या हुआ? टनरनन कब हुआ? टनरनन कैसे हुआ? क्यों हुआ? क्या बताऊं इंस्पेक्टर साहब, पुलिस स्टेशन के पीछे मेरा बंगलो है और रात को चोर आया, चोरी करके चला गया और मुझे पता भी नहीं चला। और जब मैं सुबह उठा तो चोरी खाली थी। तुम्हारे जेवर तुम्हें मिल जाएंगे। ये बताओ कि तुम्हें जेवर 36 घंटे में चाहिए, 18 घंटे में चाहिए, 9 घंटे में चाहिए या 4.5 घंटे में चाहिए? इंस्पेक्टर साहब, मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप साफ साफ कहिए कहना क्या चाहते हैं। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। हाँ इंस्पेक्टर साहब, बताइए ना। पोस्ट ऑफिस का सिस्टम मालूम है ना? सादा लिफाफा देर से मिलता है, टिकट मारो जल्दी मिलता है, स्पीड पोस्ट बहुत जल्दी मिलता है। लेकिन स्पीड पोस्ट के पैसे ज्यादा लगते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। बल में बड़ा नादान है। नादान? अगर हम जैसे पुलिस वालों से व्यवहार करना है तो ये जुबान पहले सीखो। समझ गए समझ गए, ये लीजिए। ये क्या है? रिश्वत? शर्म नहीं आती इतनी कम रिश्वत देते हुए? इतनी कम रिश्वत तो हमारा हवलदार भी नहीं लेता। गोली मार दूंगा। ये लीजिए। आप बाहर जाकर चाय पीजिए, आपका काम हो जाएगा। चाय वाले को पैसे दे देना। जाओ। और सुनो, 2 चाय अंदर भिजवा देना, हम लोग कुछ प्राइवेट बात कर रहे हैं। प्राइवेट जाओ, जाओ, जाओ। अल्लाह, बाहर से कोई अंदर न आ सके। यार गोड बोले, ये चोरी साला अपना कौन सा आदमी कर सकता है? रघु। अरे नहीं यार, वो अस्पताल में पड़ा है, मैंने उसकी टांग तोड़ दी। साला कह रहा था कि चोरी चकारी की जिंदगी छोड़कर शराफत की जिंदगी बिताऊंगा। अब अगर ये चोर उचके भी शरीफ होने लगे तो हमारा क्या होगा कालिया? बहुत अच्छा किया, अब साला लंगड़ाते हुए एक ही गाना गा रहा होगा, शराफत छोड़ दी मैंने। अरे हाँ याद आया। हाँ। ये काम अपने पप्पू का है। कल उसका फोन आया था कि एक बहुत लंबा हाथ मारने जा रहा हूं, संभाल लेना। संभाल लेते हैं।
साहब। उल्लू के पट्टे, कल रात चोरी की और अब तक हमारा हिस्सा नहीं पहुंचाया तूने है? अरे साहब क्या बात कर रहे हैं, साहब आपका माल मैं पहुंचाने वाला था, ये लीजिए, ये लीजिए साहब। जय बोलो बेईमान की जय बोलो। अच्छा अब ये बता कि ये माल बेचा किसको है? माल सेठ तिजोरी मल को। ओ सेठ तिजोरी मल। मन्ना माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब, मन्ना माफ कर दीजिए, ये रहे पूरे जेवरात और मैं कसम खाता हूँ आज के बाद कभी भी चोरी का माल नहीं खरीदूंगा। आप ही हमारे माए बाप हो साहब। ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। माल निकाल। जी साहब। और सुनो। जी साहब। आज के बाद अगर कभी चोरी का माल खरीदा तो ना ना पहले हमारा ख्याल रखना। बिल्कुल रखूंगा जी बिल्कुल। जानते नहीं ये जुर्म है। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू। ये तो हमारा फर्ज था। लोग खामखा पुलिस वालों को बदनाम करते हैं कि पुलिस निकम्मी है, रिश्वत लेती है। वरना 5-7 हजार की रिश्वत में 4 लाख के जेवर कहाँ से मिलते? जी आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। भूलोगे भी तो चलेगा, जाओ जी। माल देख लेना बराबर है ना? पूरे ही होंगे। वरना काम का हमारे पे इल्जाम लगाओगे। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे। वाग मारे, ये मेरी बीवी पहनेगी तो कितनी मीठी लगेगी ना। तेरी भाभी भी पहनेगी तो बहुत अच्छी लगेगी रे। क्या है आजकल एक का फैशन है। साहब कॉलेज से प्रिंसिपल साहब का फोन आया है, कॉलेज में दंगा फसाद होने का डर है, इसलिए आपको बंदोबस्त के लिए बुलवाया है। अबे तुझे कुछ काम धंधा नहीं है? जब आता है बुरी खबर लेकर आता है, जा यहां से। पार्टनर क्या बोलते हो? जाके कुछ फायदा नहीं, माल बल मिलेगा नहीं। ठीक है तो नींद पूरी करते हैं, अपनी ड्यूटी बड़ी हार्ड है यार, सो जाओ। लड़ ले दो साले स्टूडेंट्स को। Chikalam, you are chagaram, you are lafram, you are bigaram, you are churiyam, you are buriyam, you are motiyam. You are bumbum, you are chitkam, you are pumpam, you are tikaram, you are chakaram, you are nakaram, but you are janam. पानी है तू लड़की दीवानी है, ए, गली गली में पानी है तू लड़की दीवानी है, तू है 420 तू है खतरे की घंटी, तू कब दे जाए धोखा नहीं तेरी गारंटी। तिना तिन
लगती है, लंगड़ा के तू चलती है, देखो देखो। अरे तुझको मैं ना छोड़ूंगा, दिल से दिल को जोड़ूंगा, तू अकल की मोटी है, कदमे थोड़ी छोटी है। अरे अब तक हमने नाश्ता नहीं किया, जारी वो बुक छोड़िए और एक नजर नाश्ते पर भी डालिए। बेटा अगर मैंने किताब पे से नजर हटा लिया और कोई घोड़ा मेरी नजर बचा के पतली गली से रेस आके जीत गया और वो घोड़ा मैंने नहीं खेला तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा ना। जारी ये बुक छोड़िए और पहले नाश्ता कीजिए। गठिया लाई क्या? डैडी ये क्या है? ये तो गठिया है लेकिन बिक्री आज दिन क्या है? संडे। संडे तो इसका मतलब है संडे को तो विजय अंडे खाने आता है। डैडी आज विजय अंडे नहीं डंडे खाएगा। समझ गया, तेरा झगड़ा हुआ है उससे तभी तो तू लाल हरी काली पीली टैक्सी की जैसी होती जा रही है। डैडी मजाक छोड़िए, आज मैं उसे साफ साफ कह देने वाली हूँ कि ना वो मेरे लिए और ना ही मैं उसके लिए, मैं उसे भूल जाना चाहती हूँ। डैडी देख तेरे मन के रेस को उसके अंदर जो घोड़ा सबसे आगे भाग रहा है ना वो अपना विजय ही तो है और तू अपनी जिंदगी की बाजी उस पर लगाना नहीं चाहती। अरे बेटी ऐसा जुल्म मत कर, 50 का भाव है खेल डाल वो घोड़े पे, मैं लिख के देता हूँ वो हारने वाला घोड़ा नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है जारी कि मैं उससे शादी नहीं करूंगी। बेटा मेरे को गुस्सा मत दिला, एक बार मेरे को गुस्सा आता है ना तो फिर जाता नहीं है। तेरे को मालूम है 1947 में जब मेरे को गुस्सा आया था तो क्या हुआ था? क्या हुआ था? अंग्रेज लोग भारत छोड़कर भाग गए थे। गुड मॉर्निंग अंकल। अरे आ गया मेरा राशन आ गया घर का। अरे बेटा पहले मेरे को तुम एक बात ये बताओ कि तुम मेरी बेटी से झगड़ा काहे को करते हो? पागल हो गई है ये। अब नाक पे मक्खी बैठने देती नहीं, जब देखो गुस्सा जब देखो गुस्सा, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। चारी इसे कह दो यहाँ से चले जाए। क्यों, क्या ये घर तुम्हारे बाप का है? क्या बोलता है? मेरा मतलब मेरे अंकल का है ना। मैं तेरा अंकल अंकल है अंकल। देखो मैं तुम्हें शराफत से कहती हूँ यहाँ से निकल जाओ वरना वरना मजबूरन मुझे अपना साइकिल निकालना पड़ेगा। तो क्या मैं अपने जूते नहीं निकाल सकता? जूते निकालो, मारो मुझे मारो। मैं क्यों मारूं? लेडीज फर्स्ट, पहले तुम मारो। तुम मारो, तुम मारो, तुम मारो। अरे मार के तो दिखाओ। अरे मारो देखो
ना तो तुम जूता निकालते हो ना तुम सैंडल निकालती हो, मेरे को तो ऐसा लगता है कि मेरे को मेरी चप्पल निकालनी पड़ेगी। बात दरअसल ये है भाई कि ये मेरा घर है। करेक्ट डैड, और इसे कह दीजिए आइंदा इस घर में कदम ना रखे और मुझे हमेशा के लिए भूल जाए। देखो भाई, आइंदा तुम ये घर में कदम नहीं रखना और मेरी बेटी को हमेशा के लिए भूल जाना। डैडी, आप इतने डर के क्यों कह रहे हैं? डांटिए इसे। अरे गेट डाउन, और आइंदा इस घर में पांव नहीं रखना, नहीं तो तुम्हारे पांव का पाए का सूप बनाकर पूरा मोहल्ले वालों को पिला देगा। वेरी गुड डैडी। ठीक है ठीक है अंकल, मैं तो चला जाता हूँ, लेकिन मेरे यहाँ आने का मकसद कुछ और था। कल रात मैंने सपने में घोड़ों की रेस की। घोड़े? अरे अरे बेटा, अगर मैं उसका बाप हूँ तो मैं तेरा अंकल भी तो हूँ। अब छोड़ो ना अंकल, अब जाने भी दो। एक तो मैं यहाँ आया आपको बताने कि कल कौन सा घोड़ा जीतेगा। कौन सा घोड़ा, नंबर क्या? अब मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। अरे बेटा, चमड़ी की जबान है, थोड़ा सा फिसल गई, माफ कर दे। नहीं बता सकता, इस घर के दरवाजे मेरे लिए बंद हो चुके हैं। दरवाजे बंद हो गए तो क्या हुआ? मैं ये दीवार फोड़ के तेरे को अंदर बुला लूंगा। नहीं बेटा, मैं तेरे हाथ दबाता हूँ, पांव दबाता हूँ, नहीं तेरा गल्ला दबाऊंगा। नहीं, गल्ला तो मेरी बेटी दबाएगी तेरा, शादी के बाद में। शादी? अंकल आप मुझे एक बात बताइए। बोलो बेटा। कि आप अपनी बेटी से इतना डरते क्यों हैं? आपने बिल्कुल अक्कल नहीं। अरे जब ऊपर वाला अक्कल बांट रहा था तब आप कहाँ थे? बेटा मैं तुम्हारे को बुलाने को गया था। बेटा जरा बैठो ना। बेटा तुम मेरे को घोड़े का नंबर बताओ। आप मुझे किचन में जाने देंगे? अरे किचन की कहाँ बात करो, तुम बाथरूम में जाओ ना। लेकिन मेरे को घोड़े का नंबर बताओ। इसका कारण क्या है मालूम? आज तक तुमने हमें को जितना नंबर बताया है घोड़े का, सट्टे का, मटके का, वो सब आई लाए और हमने माल कमाई लाए। तुम्हारा कभी जजमेंट फेल नहीं हुआ है। मैं किचन से होके आता हूँ, फिर आपको खुल के बताता हूँ। हाय जाने मन। तुमने अंदर घुसने की हिम्मत कैसे की? अरे हमने तो तुम्हारे दिल में घुस के अपनी मोहब्बत के झंडे गाड़ दिए, फिर ये किचन क्या चीज है? अरे मेरा बस लेना तो मैं अपना दिल निकाल कर इस खोलते हुए तेल में फ्राई कर दूं। तुम क्यों अपने दिल को तकलीफ देती हो, मुझे ही फेंक दो। देखो अगर तुम इज्जत से नहीं माने ना तो मजबूरन मुझे यही करना पड़ेगा। ठीक है मैं चला जाता हूँ, लेकिन पहले मुझे एक प्यारी प्यारी पप्पी दे दो। कमान हरी आप। शराब पप्पी तो तुम ऐसे मांग रहे हो जैसे बाप दादा की कोई जायदाद वापस लेने आए हो तुम। आज से गेट आउट फ्रॉम हियर। तुमने मेरी मस्ती देखी है, मेरी जबरदस्ती नहीं देखी? देखो अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ा ना तो तुम खोलता। सॉरी विजय, मैं अभी बर्नौल लेके। नहीं 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 नहीं, अपने होंठों की बर्नौल लगा दो, सब ठीक हो जाएगा। अनीता, अगर ये तेल मेरे होंठों पे गिर जाता तो तुम क्या करती? अनीता, 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 आमिर खान की फिल्म लगी, चलो देखने चलते। पागल हो गई है क्या? एग्जाम नजदीक आ रहे, तुझे पिक्चर देखने की सूझ रही है? मुझे पढ़ाई करनी है, तेरी तरह इस साल मुझे फेल नहीं होना। पागल, यू इडियट, दिखता नहीं कि अंधा हो गया तू? मैडम, मुंह खराब करने से कपड़े साफ नहीं हो जाते। ये लो रुपए, किसी लॉन्ड्री में जाकर अपने कपड़े साफ करा लेना। और हाँ, बाकी के बचे हुए पैसों से किसी ब्यूटी पार्लर में जाकर अपना चेहरा साफ करा लेना। ठहरो। ये लो रुपए और अपने कपड़े लॉन्ड्री से धुलवा लेना। अरे नहीं रे, नहीं रे, नहीं। मेरे यार, लड़कियों पे हाथ नहीं उठाते, लड़कियों की तो इज्जत करते हैं, क्योंकि यहाँ की सारी लड़कियां तुम्हारी बहनें हैं ना।
शांति शांति शांति। और मैडम आपको भी इतना नाराज नहीं होना चाहिए। अगर एक खूबसूरत चेहरे पर एक दिल हो तो उसे नजर नहीं लगती। अच्छा हाँ, और इस गधे ने तो काफी दिल लगा दिए। अच्छा है, ये भी अच्छा है, क्योंकि अब तुम्हें कभी जिंदगी भर नजर नहीं लगेगी। क्या हुआ? अरे नहीं नहीं, अब तुम्हें भी नजर नहीं लगेगी। अरे नहीं नहीं नहीं, हाँ। क्या रूप निकल आया है कीचड़ के क्रीम से। टिंग टोंग। और उस लड़की ने तुम्हें पैसे भी दिए। अरे हिम्मत देखो उस लड़की की कि हमारे बेटे के मुंह पर कीचड़ लगाया, हमारे बेटे पे, और तुमने कुछ नहीं किया। अब करूंगा डैड। उसे अपनी खूबसूरती पे बहुत घमंड है ना, उसके खूबसूरत चेहरे पर तेजाब डालकर मैं उसका घमंड तोड़ डालूंगा। नहीं, जब हम तुम्हारी उम्र के थे तो हम पर भी एक लड़की ने कीचड़ उछाला था। जानते हो हमने उस लड़की के साथ क्या किया था? बदले में उस लड़की से हमने शादी कर ली थी। वो तुम्हारी माँ थी। खूबसूरत लड़की का घमंडी और बहादुर होना हमारे खानदान को शोभा देता है। अब वो लड़की इस घर की बहू बनेगी। सच डैड? हाँ बेटा, लेकिन अब कुछ दिनों के लिए उस लड़की को भूलकर अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, हर साल की तरह इस साल भी फर्स्ट आना है तुम्हें। ओके डैड। विक्रम, ये क्या हो रहा है? देखते नहीं, कॉपी कर रहा हूं। काम कर भाई। विजय, विजय तुम पास हो गए। हाँ। और तुम? ए, क्या हुआ अनीता? मैं भी पास हो गई। चाहे चांद गिरे बा हो जाए, दिल होता है हो जाए,
मैं मैनेजमेंट, स्टाफ मेंबर्स और स्टूडेंट्स की तरफ से संग्राम साहब का स्वागत करता हूं। संग्राम साहब इस शहर की महान हस्ती हैं। इनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, और मैं सोचता हूं कि मेरे पास इनकी तारीफ के लिए अल्फाज ही नहीं है। बहुत ही खुशकिस्मत है अच्छे मार्क्स लेने वाले वो स्टूडेंट्स जो संग्राम साहब के हाथों आज इनामात लेंगे। मैं सबसे पहले आवाज देता हूं अपने कॉलेज के काबिल और होनहार स्टूडेंट को, जिसने फर्स्ट आकर हमारे कॉलेज का ही नहीं संग्राम साहब का भी नाम रोशन किया है, और वो स्टूडेंट है विक्रम सिंह। और अब विजय कुमार। डियर फ्रेंड्स, मिस्टर संग्राम सिंह, जिन्हें लोग सांगा साहब के नाम से भी जानते हैं, इस शहर की महान हस्ती, हमारे कॉलेज के कर्ता धर्ता हैं ये। बड़े ही अदब के साथ इनका सम्मान किया जाता है, बड़ी इज्जत दी जाती है इन्हें। मगर मैं मैनेजमेंट से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या सांगा साहब इस काबिल हैं? हमें जिस कॉलेज में बुराई खत्म करने की शिक्षा दी जाती है, आज उसी कॉलेज की मैनेजिंग कमेटी ने एक ऐसे आदमी को चीफ गेस्ट बनाया है जो बुराई की दुनिया का बेताज बादशाह है। हमारे कॉलेज का नाम महात्मा गांधी जी के नाम से जरूर है, मगर यहां पर फर्स्ट क्लास फर्स्ट का सर्टिफिकेट उसी स्टूडेंट को मिलता है जो अपना एग्जाम पेन से नहीं बल्कि बंदूकों और चाकुओं के नोक से लिखता है। कहते हैं कि तालीम हासिल करना गरीबों के बस की बात नहीं, अरे मैं कहता हूं कि तालीम खुद गरीब हो गई है जो सांगा साहब जैसे लोगों के चंदों पर पल रही है। गुलाम हो गई है ये तालीम ऐसे रईसों की, और जिसकी जिम्मेदार हमारी ये सड़ी गली मैनेजमेंट जो सांगा साहब को खुदा समझती है। फ्रेंड्स, मैं अपना इनाम सांगा साहब के बदले दीनू काका से लेकर बहुत फक्र महसूस करूंगा। दीनू काका जो इस कॉलेज की 30 साल से सेवा करते आ रहे हैं, जो आप सबकी नजर में सिर्फ एक चपरासी है, मगर मेरी नजर में सांगा साहब से ज्यादा महान और ज्यादा इज्जत के काबिल है। दीनू काका जरा स्टेज पे आइए। जिंदगी में हमारी ऐसी बेइज्जती कभी नहीं हुई थी। हमें ऐसा लगा कि किसी ने हमें आसमान की ऊंचाई से उठाकर जमीन पर फेंक दिया हो। जब उस लड़की ने ताली बजाई तो ऐसा लगा कि वो हमें थप्पड़ मार रही है। डैड, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वो लड़की बहुत घमंडी है। और हमने भी कहा था कि वो लड़की इस घर की बहू बनेगी, मगर नहीं, हमारा असूल है कि एक हाथ ले तो दूसरे हाथ तय। अगर वो लड़की विजय का सपना है तो वो सपना कभी पूरा नहीं होगा। उस लड़की ने हम पर ताली बजाई है ना, अब दुनिया उस पर ताली बजाएगी और उस पर थूकेगी भी। और रहा सवाल विजय का, तो वो अपनी डिग्री लिए रास्ते में भीख मांगता हुआ नजर आएगा। तुम देखना विक्की, मैं उन दोनों की क्या हालत करता हूं। अरे कल्लू, अरे महेश चाचा, तुम कैसे हो? अच्छा हूं भाई, ये बताओ, कल तक तो तुम्हारे पास साइकिल नहीं थी, आज तुम्हारे पास गाड़ी आ गई। अरे भाई, धोती कुर्ता पहनने वाला आदमी आज सूट में, हाथ में घड़ी, गले में चेन बांट के। अरे महेश चाचा, अपनी तो किस्मत खुल गई,
वो क्या है कि अपुन तो गया था दो चार हाथ खेलने बॉम्बे क्लब, अचानक सांगा साहब के साथ खेलना पड़ गया। सांगा? वो तो बहुत खतरनाक आदमी है, तुम उसके साथ में खेला? और नहीं तो क्या चाचा। अरे सच्ची कह रहा हूँ चाचा, सांगा अनाड़ी खिलाड़ी है, जीरो है जीरो। लेकिन हाँ पैसे की टकसाल है वो, बहुत माल कमाया है अपुन ने उधर से। वो तू छोड़ बेटा, अभी लफड़ा क्या हुआ मालूम? मेरी बेटी के लिए एक सेट लेने का है, उसमें 5,000 रुपया शॉर्ट है, तू मेरे को 5,000 रुपया उधार देगा? अरे 5,000 क्या चाचा, 50,000 ले लो। लेकिन एक बात है, आखिर हो तो तुम भी पत्तों की लाइन के माहिर, फिर क्यों नहीं एक आध हाथ सांगा के साथ खेल लेते हो? अरे हजारों के नोट लाखों में बदल जाएंगे, फिर अपनी बेटी को सोने के बजाय हीरों के गहने देना। मैं जाता हूँ। कहाँ? बॉम्बे क्लब। एकता बादशाह अने राणी। वाह महेश भाई। कल्लू मैं तो सिर्फ क्या सिर्फ क्या 10,000 रुपए लाया था, उससे इतने रुपये मैंने बना दिए हैं, अब तो मेरी बेटी की शादी धूम धड़ाके के साथ में हो जाएगी। हाँ महेश भाई, शादी तो धूम धड़ाके से हो जाएगी, मगर उन कर्जों का क्या होगा जो तुमने दूसरों से ले रखा है? अपना गिरवी घर भी तो छुड़ाना है ना तुमको महेश भाई। सामने सांगा समंदर है समंदर, और समंदर से केवल एक कतरा पानी का लेके जा रहे हो, मेरी मानो तो और दांव पे लगा दो, आज तो तुम्हारे पट्टे भी अच्छे गिर रहे। कभी कभी मेरी खोपड़ी को कुछ हो जाता है। अभी देख तू बिल्कुल सच्ची बात बोलता है, कब सांगा से एक एक बाजी और हो जाए। ओके कौड़ी न रख कफन को। महेश भाई याद है ना, जीत के माल में आप उनका भी हिस्सा है। अरे कितने बार हम तमेरे को बोलेगा, मैं तो शो करवाता हूँ। नहीं महेश भाई, शो हम नहीं सांगा करवाएगा। फिर इतने अच्छे पत्तों में कोई शो करवाता है? अभी तो सांगा ने पत्ते देखे भी नहीं है। और अगर सांगा ने शो नहीं करवाया तो? अपुन है ना, डोंट वरी, चल चलो। तुम अंग्रेजी बोलता है। लो एक चाल और। पांच लाख की चाल। कोई बात नहीं महेश भाई, चलने दो। अरे क्या चलने दो, अब मेरे को भी चाल चलने के लिए 10 लाख मांगता है कि नहीं? ओफो महेश भाई, रुपया मिल सकता है, सांगा कर्जा देता है, अपने को उधार नहीं मांगता। उफ बेवकूफी मत करो महेश भाई, सांगा से अभी इसी वक्त 10 लाख रुपए ले लो, हाथ के पत्ते बड़े हैं, जीत के फौरन पैसा वापस कर देंगे। सागा साहब, क्या शो कराने के लिए 10 लाख रुपए मिलेगा? क्यों नहीं मिल सकता? हाँ लेकिन रुपयों के बदले आपको कोई चीज गिरवी रखनी पड़ेगी। मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। है आपकी बेटी। क्या पकते हो सागा साहब? महेश भाई आराम से, मेरी मानो तो वहां के दो। अरे तुम सुनते नहीं हो क्या कर रहे हैं, मेरी बेटी को गिरवी रखना मांगते हैं, ये कभी नहीं हो सकता। अरे महेश भाई आपको क्या हो गया, आपके पत्ते इतने बड़े हैं, आपके सामने दौलत का ढेर लगा हुआ है, आप सेकंड में लखपति बन सकते हैं। अरे महेश भाई लगाने वालों ने द्रौपदी को भी दावे लगा दिया था, और फिर वो आपकी अपनी अकेली बेटी है, मेरी भी बेटी के समान है। हाँ बस शो कराने की देर है, जीतते ही सारा रुपया सांगा को वापस कर देंगे। सांगा साहब आप रुपये मंगाइए 10 लाख रुपए। बैठिए महेश भाई बैठिए। इन्हें समझा दिया ना? हाँ भाई बेटी के बदले। अब आप 10 लाख में शो करवा सकते हैं। सांगा साहब आप हार गए, मेरे पास 3 बादशाह हैं। तीन इक्के आज का खेल यहीं खत्म होता है, फौरन 10 लाख का इंतजाम कीजिए। सांगा साहब मैं कहां से 10 लाख रुपए लाऊंगा? कल्लू तुमने कहा था पैसे तुम दोगे। अरे महेश भाई मेरे पास इतने रुपए कहां से आएंगे,
फिर तुमने मेरे को बोला क्यों था? ओफो, वो तो मैंने तुम्हें जोश दिलाने के लिए कहा था महेश भाई। मुझे क्या मालूम था कि सांगा साहब के पास तीन इक्के हैं। देखो कल्लू, मेरी बेटी तुम्हें अंकल कहती है। सांगा साहब, आपके सामने इसने बोला था ना, अब आप ही इसको बोलो ना। आप मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं महेश बाबू। सुनो, महेश बाबू की लड़की को उठा कर ले आओ। नहीं सागर साहब, नहीं, इतना बड़ा जुल्म आप मुझ गरीब पे ना करें सागर साहब, मैं मर जाऊंगा। सागर साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, आपके पैर पड़ता हूं, मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा सागर साहब। आप जो काम कहेंगे मैं वो काम करूंगा, एक एक पाई आपकी मैं चुका दूंगा। सांगा साहब, आप चाहे तो मेरी खाल खींच कर उसके जूते बनवा लीजिए। मेरी बेटी पर ये जुल्म न करना सांगा साहब, ये जुल्म न करना। ऐसा हम नहीं कहते, लेकिन दुनिया कहती है कि सांगा बड़ा दयालु है। हम आपको एक महीने का वक्त देते हैं महेश बाबू, अगर एक महीने में आपने हमारी रकम नहीं चुकाई तो हम आपकी बेटी को नहीं छोड़ेंगे। एक महीना। सागर साहब, मैं कहां से चुकाऊंगा? कल्लू, कल्लू, इनको कुछ बोला ना यार। कल्लू, ये भगवान, ये मैंने क्या किया, क्या किया मैंने? डैडी, ये आपने क्यों किया? डैडी, आप तो मुझे बहुत चाहते हैं ना डैडी, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? क्यों किया आपने ऐसा डैडी, क्यों किया? डैडी, अपने आंसू पोंछ लीजिए अंकल, क्योंकि जिस दिन सांगा आपकी बेटी को उठाकर ले जाएगा ना, उस दिन आपको जरूरत पड़ेगी नासों की। अरे आपने तो पांडवों का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, उन्होंने तो अपनी बीवी दांव पर लगाई थी और आपने, आपने अपनी बेटी दांव पर लगा दी। बोल बेटा, बोल, जितनी गैरत मेरे को दिलानी आज दिला दे, कसूर तो मेरा ही है ना, ना मैं लालच में आता और ना ही सांगा के साथ में जाके जुगाड़ खेलता। उसने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया और मेरे सर के ऊपर 10 लाख रुपए चढ़ा दिए। अभी क्या बोलता है मालूम? अगर एक महीने के अंदर उसको 10 लाख नहीं मिलेंगे तो यहां आकर मेरी बेटी को अपने घर से। बेटा, तू तो जानता है कि सांगा कितना खतरनाक आदमी है, जो एक बात बोलता है तो उससे 10 गुना ज्यादा करके दिखाता है। सांगा, सांगा साहब, कोई विजय नाम का छोकरा आपसे मिलना चाहता है। देखते नहीं कि डैड नाश्ता कर रहे हैं? नाश्ता बाद में भी हो सकता है, मगर मैं इंतजार नहीं कर सकता। शट अप यू रास्कल। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, अच्छा है, बोलने दो इसे। बोलेगा तो दिल की भड़ास निकलेगी, भड़ास नहीं निकली तो इसके और हमारे बीच में दुश्मनी बढ़ेगी, और अगर दुश्मनी बढ़ेगी तो ये बेचारा बेमौत मारा जाएगा। अरे मौत की धमकी उसे दीजिएगा सांगा साहब, जिसे अपनी जिंदगी से मोहब्बत हो। मैंने तो नीता से प्यार किया और यही जानने के लिए यहां आया हूं कि ऐसा कौन सा जुआ है जिसमें हारने वाले को अपनी मुद्दत खत्म हो जाने के बाद रुपयों के बदले अपनी बेटी देनी पड़े। ऐसा कौन सा खेल है, जरा मैं भी तो जानूं। ये खेल हमारा अपना खेल है और उसे खेलने की हिम्मत और फन हम ही रखते हैं। ये खेल नहीं, बदला है मेरे उस सच का जिसे आपने कॉलेज में सुन तो लिया मगर बर्दाश्त नहीं कर सके। अरे इसीलिए आपने अनीता के बूढ़े बाप की मजबूरी का फायदा उठाकर अपनी मकारी के दलदल में ढकेल दिया। अगर तू इतना सूरमा है, इतना दम है तेरे बाजुओं में, तो फिर तू निकाल देना उस बुढ़े को मेरी मकारी की दलदल से। तू लाकर दे दे 10 लाख रुपए। हाँ, लेकिन एक महीने के अंदर अंदर। लाऊंगा सांगा साहब, मैं ही लाऊंगा। चलता हूं, अब अगली मुलाकात अगले महीने ही होगी। ठहरो, 10 लाख रुपए जमा करने के चक्कर में तुझे भीख मांगने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए पहल मैं करता हूं। मेरी तरफ से एडवांस में भीख। आपकी नजर में ये एक भीख है, लेकिन मेरी नजर में एक चैलेंज। देखते हैं किसकी नजर धोखा खाती है। सॉरी, नो वैकेंसी।
अरे अरे क्या करते हो? बेचारा इतना परेशान है, इसे और क्यों परेशान करते हो? क्यों बेटा, नौकरी मिली? नहीं मिलेगी भी नहीं, क्योंकि आजकल साला डिग्री की वैल्यू ही नहीं है। तू एक काम कर, इसे फेंक दे। फिलहाल तो नौकरी की तलाश में ठोकरे खा रहा हूं। अफसोस की बात है, तुम जैसे नौजवानों को रोटी कम ठोकरें ज्यादा खानी पड़ती हैं। जी चाहता है ठोकर मार कर ऐसे निजाम को पाश पाश कर दूं और दफन कर दूं उन लोगों को जो आज के नौजवानों को देश का भविष्य तो कहते हैं, लेकिन उनके पास ये जानने की फुर्सत नहीं कि देश का भविष्य डिग्रियां बनकर फाइलों में दम तोड़ रहा है। एनीवे ऑल द बेस्ट। अरे एक का दस रानी पे लगाएगा दस का भाव मिलेगा, रानी पे लगाएगा दस का भाव मिलेगा। एक का दस, एक का दस, एक का दस, चले रखा चले रखा चले रहा। एक का दस, एक का दस, एक का दस, एक का दस, चल लगाता भाई, चल लगा, चल किस्मत अजमा, चल किस्मत अजमा, चल चल गुटिया, जरा पुलिस का ध्यान रख। मैं सब देख रहा हूँ। रानी इधर माल अंदर जान, दूसरा लगा, बड़े भूख लगी है, चल दूसरा, दो दिन से खाना नहीं खा, लगा लगा लगा, गरीब की थोड़ी मदद कर दे। क्या एक रुपये में कभी खाना मिलता है क्या? तुमको मालूम है, तुमने कभी भूख देखी है? आज महंगाई कितनी बढ़ गई है तुमको मालूम नहीं है? चले तुम्हारा रुपया ले जाइए। कदस मिलेगा रानी पे लगाएगा, कदस मिलेगा रानी पे लगाएगा, कदस मिलेगा। किस्मत आजमाओ भाई, किस्मत आजमाओ, ये लो रानी, किसका एक रुपया भाई? ये मेरा है। हाँ ठीक है पकड़ दस रुपया। चले भाई कदस, एक 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 कदस, चलो भाई एक कदस। मेरी भी जरा दे। चले चले शाना मत, चल शाना मत, चल रानी छोटो, ये 77, ये हुआ 75, ये ले 80, ये 90 और ये 100। ले बीड़े पकड़, ये ले, चल ले ले ले, चल ला बीड़ी ला, चल चलो भाई, एक दस, एक दस, एक दस, 100 रुपये। हजार निकाल। छोटे भाई को बुला के ले गया। सलीम भाई अपने धंधे की बात लग गई, एक शाना एक रुपए के सिक्के से 1000 रुपए जीत गया, आपको बुलाया। सलाम अलैकुम। सलाम भाई। तो ये है रुपए का सिक्का, क्या समझते आपने आपको बादाम का इक्का? पत्ते कौन बांट लेता भाई? मैंने। सलीम टेंशन का आदमी है तू, सलीम टेंशन का आदमी है तू। यहां अपन टेंशन देने आए ले, टेंशन लेने नहीं,
इसका कितना टेंशन है भाई? 1000 रुपया। पत्ते ला। निकाल नहीं गड्ढे, अभी निकालता हूं इसकी चड्डी। खेलेगा? चल कफन बिछा। अपना तो उस्ताद है। क्यों उस्ताद? तू न जा मेरे बादशाह, एक रानी के लिए मुझ पे टेंशन छोड़ के। वाह उस्ताद, तू वापस जाएगा, तू वापस जाएगा हार कर सब कुछ यहां चड्डी अपनी छोड़ के। भाई साहब 10,000। भाई साहब हाथ मत लगा सलीम टेंशन को। 10,000 के लिए क्या चिल्ला रहा है बे? लाखों रुपए बिछा दिए बे। अब्दुल पुलिस से पान ले गया। अभी लाया भाई। पान वाले पंजे से 3 ले गया। चल अभी लाया उस्ताद। उस्मान लगड़े वाले से 2 ले गया। अच्छा सुन, तेरी भाभी है ना होने वाली, उसके पास 50,000 पड़े, ले गया। देखता हूँ ये कितना खेलता आज। अरे किसी का बाकी नहीं रखेला सलीम टेंशन ने, लाखों करोड़ रुपए यहाँ बिछा दिया। टेंशन नहीं लेना कभी पैसे के मामले में, इसको समझाना। ये सलीम टेंशन है, सुना कि नहीं? तो स्टेशन जाने का रास्ता कौन सा है? हाँ यहाँ से आप सीधे चले जाइए। अच्छा वहाँ से लेफ्ट ले लीजिए और लेफ्ट वाला रास्ता सीधा स्टेशन जाना। जी थैंक यू जी। उठा ले रानी को, पहचान ले माल कमा ले, तकदीर आजमा ले। आए तो लाट तो भैया की खाट, आज जो मेरे भाई लगा ले 10 का भाव लगा ले। आज को ग्राहक नहीं दिखता बम्बे बंदे के। नहीं उस्ताद। तुम लोग नादों को तो आए ना, क्या मेरे मौला किसी को भेज दे मेरे बाबा। ये ले लगा ले। ये आया। हाँ भाई खेलेगा? नहीं तो क्या बैठेगा? नहीं तो चल। ये कल वाला यहाँ क्या कर रहा है? एक तो पहले से खाली और ये खाली करने आए, ये है कौन यार? ये तो इधर आ ले बाप। हाँ उस्ताद। चल पत्ते उठा ले। खेलेगा? मेरे 10,000। 10,000 नहीं भाई, 1 का 10 है यहाँ पे। अच्छा ज्यादा होशियारी मत करो, चुपचाप मेरे 10,000 मुझे दे दो। दिमाग खराब है तो धंधा नहीं, टेंशन में हम लोग भाई। तुमको कुछ गलत फहमी होगी, जाओ अपना काम। ये कौन है, इसको पहचान देगा तुम? नहीं भाई, आपको नहीं जानता है। देखो मेरे 10,000 मुझे दे दो तो मैं तुम्हें ये धंधा करने दूंगा, वरना। भाई तो ये बात है भाई, आपको भाई ये क्या हो रहा है? इसको बोलते खुजली, और अपने को इसकी खुजली मिटाने की है। भाई चले। चल Thank you.
पेंशन का माल लेके कहाँ छुपेगा ये? अरे हजाम नहीं होएगा, अबे हथड़ियों में से निकाल लूंगा। ए! कोना कोना खाचा खाचा ढूंढो, मेरे को सिक्का चाहिए, सिक्का। अबे तेरी तो अभी मेरे को ही कुछ करना पड़ेगा। क्या समझता है सबको सुला दिया तो क्या मेरे को भी सुलाएगा? अरे सलीम टेंशन को तो मार सकता है, अरे बहुत टेंशन में आएगा, अरे बहुत टेंशन में आएगा तू। अगर तूने मेरे पे हाथ उठाने की कोशिश की ना तो याद रख मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा। फंसा तो फंसा मेरे भाई, ये हथौड़े जैसे हाथ, हाथ मिलाने के लिए भाई, दोस्ती के लिए हाथ बढ़ा दिया, और ये पत्थर जैसा सीना लोहे के सीने से लगा लिया मेरे भाई। आजा मेरे भाई, जरा सवाल क्या मेरी समझ खाया मेरे भाई। उस्ताद अपन समझ गया, साला ये टाइगर नहीं है, सांगा है सांगा, जिसने तेरी लाइफ की गोटियों को ऐसे तितर बितर कर दिए। लेकिन मैं सांगा को वो स्ट्राइकर बनने ही नहीं दूंगा जो मेरी जिंदगी की क्वीन को बर्बादी के पॉकेट में डाल सके। मैं अनीता को सांगा के चुंगल से छुड़ाकर उसका गुरूर तोड़ दूंगा, दिन रात मेहनत करके मैं 10 लाख रुपए कमाऊंगा। एक ईमानदार आदमी जब मेहनत करता है ना भाई, तो पसीने की बारिश होती है, क्या पैसे की बारिश नहीं होती? अरे पैसे कमाने के लिए भेजा मांगता है, अकल की जरूरत है, और अकल की बहुत शक्ल होती है। अरे चोरी डाका फांदा लोचा जुआ, अरे भाई जुए में तो तेरा लक बहुत ही पावरफुल है ना भाई। अरे तू जिस पत्ते पे हाथ रख देता वो पत्ता तेरा दोस्त हो जाता, जैसे बादशाह तेरा दोस्त हो गया। भाई एक काम करते हैं, मैं तेरे को ऐसी जगह ले चलता हूं जहां बड़े गेम होते हैं। अरे बड़ा गेम बड़ा हाथ, और सलीम टंटन तेरे साथ भिड़ो बोल क्या बोलता है। Thank you.
लगा जल्दी लगा किस्मत आजमा चले एक कनाव भाव एक कनाव एक कनाव एक कनाव एक कनाव एक किस्मत आजमा लेगा यार जल्दी कर जल्दी कर एक कनाव 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 ये वाह जल्दी करे सोचता क्या जल्दी कर सत्ता ले ले मेरे किस्मत आजमा भाई किस्मत आजमा अभी कोई पत्ता नहीं लगाएगा पत्ता घूमने वाला है भाई पैसे बताना अट्टा सत्ता ए या चल निकाल वलन जल्दी चल जल्दी चल चल किस्मत आजमा चल जल्दी ले फिर से चल दोबारा दोबारा एक किस्मत आजमा एक चलो भाई एक कनाव भाई चलो भाई लगाओ चल भाई लगाओ एक कनाव 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 पंजा सत्ता इक्का तिरी है भाई तिरी ले भाई ले क्या कर रहे बाप क्या कर रहे भाई चल लगा 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 क्या लगा माले नहीं नहीं भाई नहीं तो क्या लगा ये पार्टी किसी केले वाले को भेज देना कोई और धंधे में लग जाएगा लगा चल भाई चलिए जनाब सांगा साहब आपका फोन हेलो सांगा साहब मैं विजय बोल रहा हूं यह सिक्के की खनक सुनाई दे रही है आपको यह वही सिक्का है जो आपने मुझे भीख में दिया था लेकिन मेरे लिए बहुत लकी साबित हुआ मैंने 29 दिनों में ही आपके रुपए जमा कर लिए सांगा साहब और अगर चाहूं तो आपको मैं आज अभी और इसी वक्त लौटा सकता हूं मगर नहीं आपने मेरी बहुत नींदें हराम की हैं और मैं आपकी आज की नींद हराम करूंगा मैं आपको सोच सोच कर करवटें बदलने पर मजबूर कर दूंगा कि एक मामूली से लड़के ने आपका चैलेंज किस तरह कबूल करके आपको मुंह तोड़ जवाब दिया कल फिर वहीं मिलेंगे सांगा साहब उसी नाश्ते के टेबल पर गुड बाय अब आप बुरी तरह से फंस चुके हैं जनाब देखता हूं मैं आप कौन सी चाल चलते हैं आप इंस्पेक्टर साहब ये लड़का है वो ये नहीं ये काला वाला ये चांद सा रोशन चेहरा जुल्फों का रंग सुनहरा ये झील सी नीली आंखें कोई राज है इनमें गहरा इसकी शक्ल गौर से देखो यही था क्या इंस्पेक्टर साहब ये चेहरा मुझे अच्छी तरह याद है 10 लाख रुपए की इतनी बड़ी चोरी मैं कैसे भूल सकता हूँ चोरी हाँ तुम पर 10 लाख रुपए की चोरी का इल्जाम है ये झूठ है मैंने कोई चोरी नहीं की देखिए इंस्पेक्टर साहब आपको गलत फहमी है विजय चोर नहीं है इंस्पेक्टर साहब आप ये कहना चाह रही हैं कि मैं इसे सिखा पढ़ा कर लाया हूं अरे साहब ये झूठ बोलता है इसका मुंह देखो ये 10 रुपए का नहीं 10 लाख की बात करता है और ये तो सूट भी किसी का चुराए लगता है एक इसका सूट अबे चुप ज्यादा बड़बड़ की ना तो अभी हथकड़ी का सूट पहना दूंगा तुझे हवालदार चलाओ यस सर तराशी लो देखो अंदर क्या है भोली सूरत दिल के खोटे नाम बड़े और दर्शन छोटे क्या रे किधर से लाया इतना रुपया मैंने कोई चोरी नहीं की अबे सुनाई नहीं देता ये क्या पूछ रहे हैं क्या इतने सारे रुपए तेरे पास आए कहाँ से किधर से आए तू चीज क्या है क्या है चीज तेरी कोई फैक्ट्री है फैक्ट्री है
कोई मिल है? मिल वाला है? ना ही तो एमएलए है, ना ही एमपी और ना ही कोई मंत्री। मिनिस्टर है। और ना ही शेयर बाजार का दलाल। हर्षद है तू? अबलदार, सारे रुपए जब्त कर लो और लगा दो हथकड़ी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात तो समझिए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। मेरा आज जाना बहुत जरूरी है, मुझे ये रुपए किसी को लौटाने हैं। क्यों? ये रुपए तेरे बाप के हैं जो किसी को लौटाने हैं? अबलदार ले चलो, चलो साहब। छोड़ो मुझे, छोड़ो। इंस्पेक्टर साहब मैं हजार बार कह चुका हूँ कि मैं बेकसूर हूँ, मैंने कौन जुर्म नहीं किया? आखिर आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते? सुनेंगे सुनेंगे, तेरी भी सुनेंगे, पहले अपनी सुनाएंगे फिर तेरी सुनेंगे। सुन साहब सुन, प्यार की धुन। ना इंसाफी कर रहे हैं आप लोग। जिस कानून की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है उस कानून के साथ इंसाफ करना सीखो। जो वर्दी तुमने पहनी है उस वर्दी की वफादारी तो करो। वफादारी यहाँ बदला वफा का, बेवफाई के सिवा क्या है? Shut up you! चुप। ज्यादा बड़बड़ की तो हलक में हाथ डालकर जबान खींच लूंगा तेरी में। नहीं इंस्पेक्टर, नहीं। अगर तुमने इसकी जबान खींच ली तो यह फरियाद कैसे करेगा? हमसे रहम की भीख कैसे मांगेगा? ये तो यह सब तुम्हारा रचाया हुआ खेल है, लेकिन एक बात कभी सपने में भी नहीं सोचना कि मैं तुमसे रहम की भीख मांगूंगा। ये तो नहीं, तेरा गर्म खून बोल रहा है और उसे ही ठंडा करने के लिए तुझे यहां लाया गया है। तू हमें सिक्के की खनक सुनाकर हमारी एक रात की नींद हराम करना चाहता था ना? हम तुझे हथकड़ियों और बेड़ियों की खनक सुना सुनाकर तेरा जीना हराम कर देंगे। जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। ले जाओ इसे और मार मार कर सारी हवा निकाल दो। इंस्पेक्टर इसे इतना मारो कि ये दर्द से चिल्ला उठे। छोड़ दो, 10 लाख लाओ, बेटी ले जाओ। तब तक ये हमारे पास गिरवी रहेगी। रासूद तो हमारे क्लब में डांस करके चुका देगी। चलो। ये आप लोग क्या देख रहे हो? भगवान के लिए मेरी बेटी को बचाओ। अरे मैं क्यों बचाऊं तेरी बेटी को? जाके खुद बचा ले। जुआ तूने खेला है, हमने नहीं। डूब मर। अरे अब आंख खुली है तो लोगों की मदद मांग रहा है? अरे बेगैरत, जहर खा ले थोड़ा सा जहर। बीवी को तो मार दिया, अब बेटी की इज्जत भी कहां पर लगा दी तूने? अरे तू है तेरी जिंदगी पर। सांगा से और मांग ले 4-5 हजार रुपए अपनी बेटी के बदले खेलने के लिए। अरे क्यों गैरत दिला रहे हो इसे? क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो यार? जाओ अपना अपना काम करो, ये तो बेटी का दलाल है, दलाल। बेगैरत, जहर खा ले थोड़ा सा जहर, थोड़ा सा जहर। ये तो बेटी का दलाल है, दलाल, 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 दलाल। अरे बेगैरत, जहर खा ले थोड़ा सा जहर, थोड़ा सा जहर। Ah!
से तू अंदर था यार, हम लोग परेशान हो गए। मेरे दोस्त, मेरा भाई, अरे तेरे बगैर तो यार हम लोग बेजार हो गए, बोर हो गए यार। तू अंदर कैसा था, सब ठीक? अनीता का क्या हाल है यार, और अंकल कैसे? यार नाश्ता वास्ता पहले कर ले, सब कुछ यही पूछ लेगा यार। चल यार चल। इतना सब कुछ हो गया और मैं कुछ नहीं कर सका। इसमें तेरा क्या कसूर यार, तू तो बंद था। जिस बेईमानी से सांगा ने अंकल को बर्बाद किया, हम भी उसे उसी तरह बर्बाद करेंगे। उसी के क्लब में जाकर 10 लाख रुपए जीतकर उसके मुंह पर फेंकेंगे और अनीता को वापस ले आएंगे। कचरे की पेटी में पड़ा हुआ तिनका आज कसीनो में, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ये है कि कसीनो में आकर तूफान से टकराने की जरूरत कर रहा है। तूफान की बेवकूफी पर मुझे बहुत तरस आ रहा है कि उसने एक पहाड़ को तिनका समझा। जब तू अपने आप को पहाड़ समझता है तो जाहिर है टकराने का हौसला भी होगा। उसी हौसले ने तो मुझे बॉम्बे क्लब में पहुंचाया है। तो फिर हो जाए हमसे भी एक एक बाजी। ओके। बेगम, मेरा मौला तू ग्रेट है। विजय, अपने को जितना चाहिए था ना उससे ज्यादा मिल गया है, चल अब निकल ले। तुम लोग यहां से नहीं जा सकते। मुझे जितना खेलना था वो मैंने खेल लिया। अब मैं यहां रुकूं या जाऊं, मेरी मर्जी। यहां लोग आते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन जाते हैं हमारी मर्जी से। तुझे एक और बाजी खेलनी होगी। और अगर मैं कहूं कि मैं नहीं खेलना चाहता तो मुझे यहां रोकेगा कौन? तुम्हारे ये आदमी? मेरे आदमी तो दूर की बात, पहले तू मुझसे तो बच। चल सलीम। Oh!
वो हरामजादा जिस घर में पना ले उस घर को तबाह कर दो, जिस गली से गुजरे उस गली को मिटा दो। अगर वो लड़का हमें नहीं मिला तो हम अपने बेटे की चिता की आग से सारे शहर को जला के राख कर देंगे, सारे शहर को जला के राख कर देंगे। भर दिया जिन जालिमों ने जिंदगानी में जहर, मौत को तरसेंगे अब वो जब मैं ढाऊंगा कहर। गुनाह लोग मारे जा रहे हैं, आतंकवादियों को डर से सारे शहर में मौत का सा सन्नाटा छाया हुआ है। मेरी समझ में नहीं आता कि आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या इन हालात पर काबू नहीं पा सकते, क्या पुलिस की ताकत गुंडों से कम है? ऐसी बात नहीं है सर, दरअसल सांगा की दहशत से लोग इतना डरे हुए हैं कि ना ही तो वो उसके खिलाफ कोई गवाही देता है और ना ही कोई उसे मुकाबला करना चाहता है। दरअसल बेटे की मौत ने सांगा को पागल बना दिया। सांगा 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 ये नाम सुन सुनकर मेरे कान पक गए, आखिर उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता? उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है सर। उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है इसका मतलब ये तो नहीं कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, आखिर इसका कोई हल भी तो होगा। इलाज है सर। वो क्या? सांगा और उसके आतंक का मुंह तोड़ जवाब एक ही आदमी दे सकता है। कौन है वो? हमारे डिपार्टमेंट का सस्पेंड किया हुआ एक बहादुर निडर ऑफिसर इंस्पेक्टर धर्म सिंह उर्फ इंस्पेक्टर हथौड़ा। हथौड़ा? मुजरिमों के लिए धर्म सिंह का रवैया बड़ा सख्त था सर, उसके नाम से जुर्म की दुनिया के लोग कांप जाया करते थे। नाइंसाफी के खिलाफ वो जोश में अपना होश भी खो बैठता था, जिसका शिकार कभी कभी पुलिस वाले भी हो जाते थे। ओ, तो इसीलिए उसे सस्पेंड किया गया था। सर अगर हम उसे वापस एक बार ड्यूटी पर बुला लें तो मैं समझता हूं कि शहर में एक बार फिर अमन और शांति फैल जाएगी। इस वक्त धर्म सिंह कहां मिलेगा? इंस्पेक्टर, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तीन खून कर चुका हूं, अगर तुम मेरे रास्ते से नहीं हटे तो मुझे चौथा खून करने से कोई नहीं रोक सकता। सर ये क्या हो रहा है? सर विलन ने बैंक का रुपया लूट और तीन आदमी का खून करके अंदर छुप गया है। हमने चारों तरफ पुलिस का पहरा लगा दिया सर, और उसने एक मासूम लड़की को ढाल बना लिया सर। वो कौन गया है? कौन हो तुम? मैं हूं। आगे मत बढ़ना वरना मैं इसे गोली मार दूंगा। मार दे गोली। मुझे बचा लीजिए। चुप। क्यों बचा लूं? क्या लगती हो तुम मेरी? क्या नाम है तेरा? है कुत्ता या बिल्ला? देखना ये मेरी बहन लगती है ना भतीजी ना भांजी, ये मरती है मर जाए लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आगे मत बोलना वरना मैं इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। तू क्या गोली मारेगा? गोली तो तुझे मैं मारूंगा। पहली गोली तेरी आंख में मारूंगा, काना हो जाएगा तू। दूसरी गोली तेरे हाथ पे मारूंगा, लूला हो जाएगा तू। तीसरी गोली तेरी टांग पे मारूंगा, लंगड़ा हो जाएगा तू। तेरा सोच, काना लंगड़ा लूला होकर जब तू लोकल ट्रेन में भीख मांगेगा कैसा लगेगा तुझे? जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, अल्लाह के नाम पे तू पैसा दे दो भाई। थैंक यू। आप निकल जाइए। Thank you.
अरे ये तो नकली है। ये हथौड़ा असली है। ये रहा तुम्हारा शिकार। जंगल के बाहर खड़े रहकर शिकार नहीं किया जा सकता। शिकार करना है तो जान हथेली पर रखकर जंगल में घुसना पड़ता है। अगर जुल्म को मिटाना है तो जुल्म से टकरा जाओ, मारो या मर जाओ। कौन है ये? सर यही तो है थोड़ा सिंह। हाँ वैसे भी आजकल कड़की चल रही है और कमिश्नर ने और चाबी टाइट कर दी है। अरे विजय के विजय भागने में माल थोड़ी मिलेगा। मिलेगा, बहुत मिलेगा। ये कौन आया? रोशन हो गई मैं। बस आप लोगों को विजय को गिरफ्तार करके सांगा साहब को सौंपना है। गुरु सुबह सुबह बोनी करवा दी, जो कहोगे सौंप देंगे। और हाँ, सांगा साहब ने ये भी कहा है कि अगर ये काम हो गया तो इससे चार गुना ज्यादा रुपया आपको मिलेगा। ओके 1-2 का 4, 4-2 का 1। माय नेम इज। मैं विजय बोल रहा हूँ, मुझे कमिश्नर साहब से बात करनी है। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आए हो रे। कमिश्नर साहब से बात करना चाहता है विजय। मैं पुलिस कमिश्नर बोल रहा हूँ। कमिश्नर साहब मैं विजय बोल रहा हूँ, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कोई खून नहीं किया। कमिश्नर साहब मैं आपको मिलकर आपको सब कुछ बताना चाहता हूँ। मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ। कहाँ से बोल रहे हो? जी गेट ऑफ इंडिया के बाजू वाले टेलीफोन बूथ से। टेलीफोन बूथ से? टेलीफोन बूथ से बाहर मत निकलना, बहुत लोगों की तुम पर नजर है। हम अभी वहां पहुंच रहे हैं, बिल्कुल बाहर मत निकलना। हाँ जी ठीक है। ये फंसा। Yeah.
फुदक फुदक कर भाग रहा था भगोड़े, अब भाग। आजा मेरे राजा, मेरे बेटे, मेरे मुन्ने, मेरे नन्ने, या मैं आऊं? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं बेकसूर हूं, मैंने कोई खून नहीं किया। आज न छोड़ूंगा तुझे धन धना धन, बच के किधर जाएगा तू धन धना धन। सांगा के बेटे का खून तो एक्सीडेंटली हो गया, मैंने नहीं किया। आप मुझे कमिश्नर साहब के पास ले चलिए, मैं उनको सब कुछ बताना चाहता हूँ, प्लीज सर। हम तुम्हें कमिश्नर साहब के पास जरूर ले चलेंगे, हम जानते हैं कि तुम बेगुनाह हो, ये तो तुम्हारी भोली भाली शक्ल बता रही है। शुक्र है कि हम जैसे ईमानदार ऑफिसर्स के हाथों में तुम लग गए, लेकिन कोई बात नहीं, हम तुम्हें कमिश्नर साहब के पास जरूर ले चलेंगे। आओ चलो बैठो, आओ आओ बैठो जी, आओ बैठो, आओ बैठो, आओ। आजा मेरे राजा, मेरे बेटे, मेरे नन्ने, मेरे मुन्ने, मेरे पौधे, मेरे गुले गुलजार, मेरे तूफान हमदम, आजा आजा आजा। पार्टनर तुम यही ठहरो, मैं अपने कमिश्नर, हमारे वाले कमिश्नर से बात करके आता हूँ, संभालो से। तुम कमसिन हो, नादा हो, नाजुक हो, बोले हो सांगा साहब। हाँ मैं वाघमारे बोल रहा हूँ। हाँ नमस्ते, आपका पंछी हमारे जाल में फंस गया है। वेल डन, वेरी गुड, वेरी गुड। इसलिए आप फौरन रुपया लेकर नंदी गली के नाके पर आ जाइए। हाँ सिंह साहब की गाड़ी है, चुप। कौन है वहां? वहां क्या हो रहा है? मैं हूं वाघ मारे सर। गोड़ बोले, जीप खराब हो गई है सर, विजय का पता चला? सर उसी की तलाश कर रहे हैं, बचकर जाएगा कहां, पकड़ में आएगा ही आएगा। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, ओह माय गॉड। अरे ये सिंह साहब तो लुढ़क गए, ये तो लफड़ा हो गया। गोट बोले, गोट बोले, तू तो जिंदा है ना? जिंदा हूं इस तरह से, गमे जिंदगी नहीं, जलता हुआ दिया हूं मगर रोशनी नहीं। घबरा मत, सिंह साहब के कत्ल का इल्जाम हम विजय पर लगा देंगे। हम कहेंगे कि विजय ने हमें भी जान से मारने की कोशिश की थी, सिंह साहब बेचारे मारे गए और हम बाल बाल बच गए, इस तरह हमारा बाल भी बाका नहीं होगा। और जिस तरह सांगा विजय का दुश्मन हो गया है, कानून भी विजय का दुश्मन हो जाएगा। बैठिए। आप बैठिए सर। धर्म सिंह, मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ कि तुम जैसे बेबाक और निडर पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया। इसमें दुखी होने की क्या बात है सर, आप तो सियासतदान हैं, देश के सिस्टम को मुझसे ज्यादा जानते हैं, जो आजादी से लेकर आज तक गर्क ही होता जा रहा है। कोई ऑफिसर ईमानदार है तो उसकी ट्रांसफर करवा दी जाती है या फिर बेचारे को सस्पेंड कर दिया जाता है। इन्हीं तमाम बातों को सामने रखते हुए मैंने तुम्हें बुलाया है। सॉरी सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि कहीं मुझे किसी गंदी सियासत का मोहरा तो नहीं बनाया जा रहा, क्योंकि गंदी सियासत के गटर के उन गंदे कीड़ों को मैं अच्छी तरह जानता हूं। ये गरीबों के घरों में आग भी खुद लगवाते हैं, गरीबों का कत्ल भी खुद करवाते हैं, और फिर आंसू पोंछने के लिए प्रेस वालों की फौज लेकर पहुंच जाते हैं। इन गरीबों के जले हुए घरों में तो सभी झांकते हैं साहेब, लेकिन उनके दिलों में लगे हुए जख्म कोई नहीं देखता। सॉरी सर, बगैर वर्दी बगैर कुर्सी के मैं इससे अच्छा काम कर सकता हूं। धर्म सिंह, माना कि वर्दी और पोस्ट की तुम्हें जरूरत नहीं, लेकिन इस वक्त वर्दी को तुम्हारी जरूरत है, कानून को तुम्हारी जरूरत है, और तुमसे अच्छा ये फर्ज कोई नहीं निभा सकता। ठीक है सर, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। बोलो। मैं अपने काम में किसी की नाजायज दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। हो सकता है कल मुझे जुर्म की जड़ें काटने के लिए कुछ वर्दी वालों या
खादी पहनने वालों के खिलाफ एक्शन लेना पड़े। मुझे मंजूर है। मेरे हाथों गिरफ्तार किए गए किसी गुंडे की जमानत नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होगी। और एक खास शर्त है सर, दिल्ली से आने वाले फोन पर मैं किसी से भी कोई बात करना पसंद नहीं करूंगा। ठीक है, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। सर, ये रही शहर के छठे हुए बदमाशों और गुंडों की फाइलें। मुझे यहां के गुंडों की नहीं, पुलिस ऑफिसर्स की फाइल चाहिए। पुलिस ऑफिसर्स की फाइलें? ये पुलिस ऑफिसर्स की फाइल के बारे में सुनकर हकलाने को लगे आप? जी हाँ भाई, पुलिस ऑफिसर्स की वो फाइल जिसमें उनके अच्छे बुरे कारनामों के रिकॉर्ड्स होते हैं। उनके अच्छे बुरे रिकॉर्ड्स पढ़कर हम उनकी कुंडलियां बनाएंगे और फिर देखेंगे कि क्या करना है। जाइए जरा वो फाइल ले आइए। अभी लाया, अभी। आपने हमें बुलाया सर? आइए, आप दोनों की फाइलें देखी। रिकॉर्ड से पता चला कि सांगा के ज्यादातर केस आप दोनों ने हैंडल किए हैं। जी सर। ये सांगा साहब आपके रिश्तेदार लगते हैं। क्यों सर? हाँ, रिकॉर्ड से तो ऐसा ही लगता है। उनके आदमियों को आप जेल तो एक तरफ, लॉकअप में आधे घंटे से ज्यादा नहीं रखते। वो ऊपर वाले का प्रेशर होता है ना, आप समझ जाइए ना सर। छी 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 छी, ऊपर वालों के प्रेशर के नीचे आप काम करते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। इसीलिए तो आपकी निगाहें झुकी रहती हैं। देखो, पैसा कमाने का इतना ही शौक है तो और बड़े धंधे हैं वो कर लीजिए। देखो, अगर फर्ज प्यारा है तो जेब की बजाय जेब के ऊपर लगने वाले मेडल्स का सोचिए। जरा फोन लगाइए सांगा को, कहीं मैं बात करना चाहता हूं। सांगा बोल रहा हूं। काय सांगा साहब, काय सांगा जय गुड़बल बोलते हुए। स्टॉप इट। घटिया लोगों की खुशामद करने वालों से मुझे सख्त चिढ़ है। अपनी जहनीयत को बदलिए। हेलो सांगा साहब, मैं इंस्पेक्टर धर्म सिंह बोल रहा हूँ। बोलो। आपसे मुलाकात की तमन्ना है। नवाजिश होगी अगर आप एक घंटे तक जुहू होटल तशरीफ ले आएं। सुना है आप पुलिस वालों से मिलना पसंद नहीं करते, लेकिन ये हिमाकत मेरे साथ मत कर बैठिएगा, भारी पड़ जाएगी, क्योंकि मेरा एक नाम और भी है, इंस्पेक्टर हथौड़ा सिंह। तुम हो धर्म सिंह, हम तो समझे थे कि तुम अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ आओगे। मैं खुद बहुत बड़ी फोर्स हूं, जिसका एहसास तुम्हें भी हो चुका है, वरना वक्त से पहले यहां बैठे तुम मेरा इंतजार नहीं कर रहे होते। यह तुम्हारी गलत फहमी है धर्म सिंह, हम ज्यादा बहस करने के आदि नहीं है। बस इतना समझ लो कि हम दो चीजें अपने साथ रखते हैं, जिंदगी और मौत। क्या चाहते हो? जिंदगी और मौत के खेल का मैं भी बहुत बड़ा खिलाड़ी हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम गरीबों और बेगुनाहों की जिंदगी से खेलते हो और मैं तुम जैसे गुनाहगारों की जिंदगी से खेलता हूं। सुनो, मैंने तुम्हें यहां वार्न करने के लिए बुलाया है कि आवाम की जिंदगी से खेलना छोड़ दो, वहशत और दहशत का ये नंगा नाच बंद कर दो, वरना 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 क्या? वरना ये चार बॉडीगार्ड जो साथ लिए घूम रहे हो,
ये तुम्हारी अर्थी उठाने के काम आएंगे। हाँ, अर्थी उठेगी जरूर, और यही चार आदमी उठाने आएंगे, लेकिन अर्थी हमारी नहीं, उस लड़के की होगी। और अगर तुम्हारा उस लड़के के साथ कोई गहरा रिश्ता है तो उसकी चिता को अग्नि देने जरूर आ जाना। सांगा, अगर उस लड़के का बाल भी बंका हुआ तो मैं तेरे जिस्म के चीथड़े चीथड़े कर दूंगा। मैं जिंदगी और मौत के खेल के इस मैदान में उतर चुका हूं। अब तुम्हें यह खेल खेलना है या बंद करना है, इसका फैसला तुम पर छोड़ता हूं। सलीम, मैं बड़ी मुसीबत में आ गया हूं यार। जहां जाता हूं वहां सांगा के आदमी मेरे पीछे कुत्ते की तरह पड़े। इतना ही नहीं बल्कि पुलिस तक मेरी जान की दुश्मन बन चुकी है यार। तू ही बताना मैं क्या करूं। तू घबरा मत मेरे भाई, सब ठीक हो जाएगा। अरे सलीम, टेंशन तेरे लिए जान दे सकता है, लेकिन तेरे पे टेंशन आने देगा बादशाह। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाता हूं और इंस्पेक्टर हथौड़ा से मिलता हूं और पूरा सीन उनको समझा डालता हूं। इंस्पेक्टर हथौड़ा? अरे जुल्म और नाइंसाफी का दुश्मन और सांगा जैसे लोगों के लिए तो गुप्त फोड़ा, इंस्पेक्टर हथौड़ा। सलीम, मैं नीता से मिलना चाहता हूँ यार। टेंशन वाली बात है यार, अनीता तो सांगा के कब्जे में है और उसके पीछे उसके आदमियों का जबरदस्त पैरा है यार। मौत मेरे पीछे पड़ी है और मेरा बचना बहुत मुश्किल है यार। मुझ पर एक एहसान कर दे मेरे भाई, सिर्फ एक बार मुझे अनीता से मिला दे। कुछ भी कर, कैसा भी कर, सिर्फ एक बार मुझे अनीता से मिला दे प्लीज। कुछ करते हैं, अब जो होगा देखा जाएगा।
अरे सलीम, टेंशन ने पैदा होते ही टेंशन को टक्कर देना सिखा है। अब तो अल्लाह है और अल्लाह बहुत बड़ा बादशाह है। बेड़ो चल चल और आज आराम से आ जाऊं। अनीता इसी होटल में है भिड़ो, नकाब डाले यार, पेट संभाल चल। ये पेट 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 फुलाना भाई। हाँ ओ शेर का मौत शेर, ओ शेर का मौत शेर, ओ शेर का मौत शेर। पटेरो पटेरो कोई जगह सही नहीं लेगा। ए ये पठान का बीवी है, वो मां बनने वाले है तेरो, कोई तेरे का मुका नहीं करेगा। वो शेर अल्लाह बोले बोला हम से खोले दे दे उन शिंद वंद खलील मा यर वो शेर खरबा वो है। ओ जाओ 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 बोले खान साहब। बोलेगा बोलेगा यार, 212 का कमरा बुक करो। 212 जिसमें मेरा 12 बज गया था यार। हम पहला टाइम इधर आया था अनिमोन मनाया था, मेरा व्रत पेट से हो गया यार। मेरा बीवी वो बहुत बड़े कमरा यार, वो खुश तो नहीं खरबशियत बोले है। ये बोलते है जिस कमरे में हम अनिमोन मनाया था उधर ही हम बच्चे बनेगा यार। 212 खान साहब, अम्मा बनने के लिए इस होटल से क्या तालू, इन्हें तो हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। अम्मा दूध का बच्चा, अम्मा तेरे को कैसा समझाएगा यार। मेरा बेगम का ख्वाहिश है यार, मेरा बीवी अस्पताल में बच्चा नहीं देगा, ये होटल में बच्चा देना चाहती है। ओ ये मरद, ये मरद का बीवी है यार, और मरद का बीवी को कभी दर्द नहीं होता यार। ये लो तुम्हारा एडवांस, लो ये लीजिए चाबी। ओए ओए शुक्रिया। और यहाँ खान साहब सिग्नेचर कर दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा। खान साहब बुरा ना माने तो एक बात पूछूं। मैंने पठानों को गोरा लंबा चौड़ा मोटा देखा है, आप तो कहीं ये छोटे से समझे समझे। वो शुक्र अच्छे नशे कर बोल रही, वो अफगानिस्तान में एक जगह है जिसका नाम कबलिस्तान है, उधर तो यार कमाल का बच्चा पैदा होता है यार, कमाल का। आदमी छोटा और काला, औरत लंबा और गोरा, समझे नहीं। उस तक लो मखर में शो खे बच्चे ले ले चल 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 चल। वल्ला वल्ला ये अल्लाह ला खला का शुक्र बजा खले दे वो। अस्सलाम वालेकुम भाई। वो जैसे आज अबे कमीने कुत्ते हराम ज़्यादा बैठे। आ जाओ 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 जाओ। तो अभी मेरा बात ध्यान से सुन, मैं तेरे को बाजू वाले कमरे में अनीता है, तू इस बालकनी से उस बालकनी में चला जा और तबीयत से मिल लेना। और सुन मैं इनको पटाता हूँ और थोड़ी देर बाद दरवाजा खटखटाता हूँ, दरवाजा खोल देना। ठीक है। वल्ले वल्ले अलका दे बना के काजल छुपा ले आंखों में, बना के काजल लगा ले सीने से, बना के आंचल। आज का ये समा कल रहे ना रहे, हे हे बना लूंगी तुझको मैं दिल की धड़कन, लुटा दूंगी तुझ पे मैं सारा जीवन, भुला दूंगी तुझे मैं जमाने के गम।
छुपा ले आंखों में बना के काजल, बना लूंगी तुझको मैं दिल की धड़कन। लगी है सनम प्यार की पिला दे मुझे शबनम, तूने कैसा जादू ये मुझ पे किया, छाने लगा मुझ पे तेरा नशा। बस में नहीं है दिल ये दीवाना तेरे संग की कसम, पाले आंखों में बना के काजल, बना लूंगी तुझको मैं दिल की धड़कन। गुजर जाऊंगा तेरी अदाओं पे मर जाऊंगा, गोरी गोरी बाहों में आ जा सजन, आज हो जाएगा अपना मिलन। जुल्फों के साए बदल के उजाले तेरे लिए है सनम, तेरे लिए पाले आंखों में बना के काजल, बना लूंगी तुझको मैं दिल की धड़कन। क्या हुआ खान साहब? वो बरकुरदार पठान का मदद करो, पठान का मदद करो। मेरा बीवी मां बनने वाला है, उसको नीचे लेके जाना है, मेरा भाई नीचे लेके जाना है। हमारा ड्यूटी है खान साहब, हम नहीं जा सकता है। वो क्या तुम ड्यूटी करता है यार, भाई पठान तुम्हारा ड्यूटी करेगा, मेरा भाई वो तुम चलो। वो दो खान दुआ करता है, अल्लाह तुम्हारा बीवी को गैर मरद से बचाए, अल्लाह तुम्हारा बीवी को पेट का दर्द से बचाए। वो मेरा बीवी को बचाओ यार। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, चलो वो मेरा बीवी है। ओ इधर अंदर है यार, वो जो चल अंदर जा। ओए 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 अंदर से तो आराम कर, चले चले ओए मारो बड़े ए जे आजा जल्दी आजा ये चाबी लो, मैं रूम छोड़ता है। इतनी जल्दी खान साहब? और ये तो क्या डिलीवरी हो गया, ये देखो मेरा बच्चा है। क्या बात कर रहे हैं खान साहब, इतना बड़ा बच्चा होता है? वो तो बच्चा पैदा करने वाला कौन है यार, पठान का बीवी है यार, और मैं कमलेशन का रहने वाला है, मेरा बच्चा भी कमाल का यार, कमाल का। अच्छा बाबा, अच्छा बाकी का आपको रुपया लो। अच्छा अच्छा ठीक है, चल कुर्बान चलो। सुनो, तुमने यहाँ से किसी पठान को जाते हुए देखा? हाँ हाँ, अभी अभी गया, अभी अभी। Thank you.
क्या हुआ? विजय और पठान वो लड़की को लेकर भाग गए। पठान, विजय, वो लोग इधर गए। आओ मेरे साथ। कहाँ गायब हो गए लोग? जाएंगे कहाँ? अनीता को मेरे रिवॉल्वर की गोली लगी है। पुलिस स्टेशन तो नहीं जा सकते? वो लोग किसी अस्पताल या इंस्पेक्टर हथौड़ा के घर जाएंगे। अगर सांगा साहब को पता चला कि लड़की भी हमारे हाथ से निकल चुकी है तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमें किसी भी हाल में इंस्पेक्टर हथौड़ा और विजय को ठिकाने लगाना होगा। चलो। क्या बात, आप लोग कौन है? अरे कहाँ घुसे आ रहे हो? आखिर बताओ ना, कौन हो तुम? हम तेरे साहब की हजामत बनाने आए हैं। साहब के आने का टाइम तो हो गया, वैसे आप लोग हजाम है क्या? क्या बोला? ले जाओ इस साले को, बंद कर दो। साहब आएंगे ना तो तुम लोगों की हड्डी पट्टी सब पीटा दे। सुनो, तुम उधर जाओ और तुम उधर और तुम उस दरवाजे के पीछे और तुम उधर ध्यान रखना और तुम सोफे के पीछे। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, हमला चारों तरफ से होगा। अगर हथौड़ा बच गया तो हम में से कोई नहीं बचेगा। लगता है वो आ गया, छुप जाओ। ये दरवाजे खुले छोड़ रखे। बजरंग, अरे ये दरवाजे खुले छोड़ के कहां चला गया? बजरंग, अरे बच्चे प्यास लगी है, कुछ पीने को दो। कहां मर गया यार? गर्मी वारी गर्मी पी लेता हूं। नहीं, ये तेरा जमीर कैसे इजाजत देगा कि घर में मेहमान प्यासे हों? तुम अकेले ही पी जाओ, इससे पहले कि उनके गले खुश्क हो जाएं, उनका सारा पानी खुश्क हो जाए, उनका खून खुश्क होने लगे, उनकी प्यास बुझा देना ही बेहतर है। पलवान जी, ओ पलवान जी, आहा, अरे पसीने छूट रहे हैं। ये लो, ले 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 ले, ले, ले। बस अंदर नहीं जा रहा होगा ना? कैसे जाएगा भाई, मैं जो सामने खड़ा हूं। साले, अपने बाप को फोन कर। क्या नाम है उसका? सांगा। सांगा को फोन कर और तुम इधर आओ।
इधर, मर गए बनो, मर गए, मर गए बनो, मर गए, एक दो बैठ, तीन चार पांच, हेलो सांगा, तेरे कुत्ते यहां आ गए थे, जो तू चाहता था वो तो नहीं कर पाए। हाँ ये कुत्ते मुर्गे बन गए, मुर्गे, जरा आवाज सुन इनकी, सुनो, ये तो मुर्गी की तरह बोल रहा साले, बोल तो भी बोल, हाँ सुन ले आवाज, इनमें से कुछ मुर्गियां बन गई अंडे देने के काम आएंगी, हाँ आमलेट बना के खा लेना, अगर तुमने खड़े होने की कोशिश की तो ये हथौड़ा तुम्हारे पीछे आएगा, चल आप आप चलो, वाह पक 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 पक, सुन लिया, आइंदा भेजने हो तो मर्द भेजना। कुछ नहीं होगा नीता, मैं हूं ना तुम्हारे पास। आपका नाम विजय है जी? वो लेकिन लेकिन ये गोली लगी कैसे? जी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, आप पहले जरा एक गोली निकाल दीजिए प्लीज। इन्हें ऑपरेशन थिएटर ले चलो। मैं सांगा साहब का आदमी बोल रहा हूं, विजय हमारी हिरासत से लड़की को लेके भाग गया है, हमने उस पर गोली चलाई है, गोली से लड़की जख्मी हुई है, इसीलिए विजय उसे किसी ना किसी हॉस्पिटल में जरूर ले जाएगा। हाँ ये पुलिस केस है, इसलिए हमको भी हॉस्पिटल से फोन आएगा ही, हम विजय की खबर लेकर आ जाएंगे। जैसे ही हॉस्पिटल का पता मिल जाए हमें इत्तला कर देना। सांगा साहब की आंखों से अंगारे बरस रहे हैं और वो विजय के खून से अपनी प्यास बुझाना चाहते हैं। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा। क्या मतलब? मतलब ये कि हम भी बहुत प्यासे हैं, हम लाएंगे तूफान से कश्ती निकाल के, इस जेब को रखना मेरे बच्चों संभाल के। सांगा साहब को बोलना हमारा रेट बढ़ गया है, आजकल दुनिया में मक्कार लोगों की बहुत डिमांड है, वैसे पेमेंट तैयार रखना, हम विजय की खबर लेकर आ रहे हैं। ताले। जरूर तुम लोगों की रगों में किसी कुत्ते का खून दौड़ रहा है, तुम्हें समझाने के बावजूद तुम्हारी दुम सीधी नहीं हुई। मैं वाडिया हॉस्पिटल से बोल रही हूँ, यहाँ एक लड़की को एडमिट किया गया है, उसके हाथ पर गोली लगी है, उसे विजय नाम का लड़का यहाँ लेकर आया है, उसे पुलिस ढूंढ रही है, आप फौरन वाडिया हॉस्पिटल में आ जाइए। वाडिया हॉस्पिटल, दौलत के लालच में बावले हो गए हो तुम दोनों, और कुत्ता जब बावला हो जाता है उसे गोली मार दी जाती है, और इस तरह तुम दोनों की मौत भी भयंकर होगी। ओह यार गुड बोले, ये हथौड़ा तो हमें कुत्ता बना गया, समझ में नहीं आ रहा है कि हम बात कर रहे हैं या भौंक रहे हैं, लेकिन जाते जाते काम की बात बता गया, वाडिया हॉस्पिटल। अब क्या होगा वाघ मारे? अरे कुछ नहीं होगा, सांगा को अस्पताल का पता बताएंगे और माल पकड़ेंगे। अरे माल की बात छोड़, विजय के बारे में सोच, अगर ये हथौड़ा साला विजय को मिल गया और विजय ने बता दिया कि हमने इंस्पेक्टर सिंह का खून किया है तो हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले। ना हम दुनिया छोड़ेंगे ना हरामीपन छोड़ेंगे, दुनिया छोड़ेगा विजय और ये हथौड़ा। ये हथौड़ा सरकारी सांड है, और सांड को मारना हमारे बस की बात नहीं, हमको वही काम करना चाहिए जो हमारे बस का हो। बकरी के बच्चे विजय को काट के फेंक देते हैं, सारे फसाद की जड़ खत्म हो जाएगी। देखा नीता, मैंने कहा था ना कि कुछ नहीं होगा। पुलिस निकल ले। विजय को क्या हुआ? फ्रूट जूस मंगाया मैंने, फ्रूट। अच्छा विजय कहाँ है? Thank you.
बेटे। शाबाश 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 विजय बेटे, हमें बचा लो। बेटे शाबाश कर लीजिए। हम ऐसा काम नहीं करेंगे, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। कैसा काम नहीं करोगे? विजय की जान लेने की हमने कोशिश की, ये जानते हुए भी कि ये बेकसूर है। सांगा ने हमको पैसे दिए थे, हम अपने जुर्म का इकरार करते हैं, हमें बचा लीजिए प्लीज। एपीसी सिंह साहब की बात भी हमारे हाथों हुई, विजय बेकसूर है, हमें बचा लीजिए। कुत्ता, तुमने अपनी इस वर्दी की इज्जत को खाक में मिला दिया है। कानून के रखवाले जब कानून से खिलवाड़ करने लगे तो मैं उनका क्या हशर करता हूँ, आज ये जमाना देखेगा। अच्छा विजय, अच्छा विजय, अच्छा चल विजय मेरे साथ चल, घबराने की जरूरत नहीं, तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। हाथ है ये, इसीलिए लोग मुझे हथौड़ा सिंह कहते हैं। सांगा, मैंने तुमसे कहा था अगर विजय का बाल भी बांका हुआ तो मैं तुम्हें फाड़ कर रख दूंगा। मेरी बात तेरी समझ में नहीं आई?
Thank you, sir.